दास का वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। जिस जगह में उस दिन में ठहरा था वो हम वहाँ से फिर आज तेजपुर से आने का टाइम में ठहरा था ना, वही जगह से मैं अभी वापस जा रहा अभी वापस जाकर अभी मैं आज तेजपुर का आगे तक जाएगा शायद। अगर देखते हैं तेजपुर का आगे जाएगा या तेजपुर में ठहरेगा देखना पड़ेगा मेरे को। फिर वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर मैं जाऊँगा तो 19 तक तो मेरे को घर पहुँचने का था। फिर 19 को हम लोग का उधर में इलेक्शन था, उसके वजह से वोट देने के लिए मेरे को 19 को तो मेरे जैसे तैसे भी घर पहुँचने का था। फिर भी मैं कोशिश करेंगे, पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा फिर देखते हैं। अगर नहीं पहुँचा तो हम तो ऑनलाइन से दे सकूँगा, मेरा तो ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन से दे सकते हैं, टेंशन नहीं है। फिर मिलते हैं आगे के नज़रों के रास्तों के साथ। तो चलो जहाँ मैं ठहरा था उधर से 9-10 किलोमीटर ऊपर आ चुका है और इधर में काफ़ी ज़्यादा मतलब लैंड स्लाइडिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होता रहता है। तो आप लोगों को भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, मैं क्रॉस करके इधर में पानी डाला था तभी लैंड स्लाइडिंग हुआ था। इतना नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मतलब वो रूट का साइड में ही रह गया था, ये पूरा रूट ब्लॉक नहीं हुआ है। आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा ऊँचा ऊँचा मिट्टी देख रहा है ना वो ये है, लैंड स्लाइडिंग हुआ था उधर में जहाँ अभी गाड़ी पहुँचा उधर में। और रास्ता देख सकते हैं उधर पूरा नीचे से आया था मैंने, ये देख सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा हो रहा है ना गाइस, पूरा फक फक हो रहा है, पूरा इतना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, इतना पूरा कोरा कोरा पूरा इतना खूबसूरत मज़ा आ रहा नज़ारा हो रहा है। और रास्ते में अकेला राइड करते हुए कितना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा शांति लग रहा है यार। कभी आप लोग भी पहाड़ में निकल कर आओ अगर शांति चाहिए तो, दिखाते हैं आप लोग को कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो चलो ये देख सकते हैं पूरा खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा नज़ारा कहाँ मिलेगा गाइस, ये देख सकते पूरा फोक फोक हो गया है, ये ऊपर से भी देखो। तो चलो मिलते हैं आगे तानेल में, खाना बनाते हैं। तो फिर चला ही नहीं पाएगा, इतना कोहरा है गाइस देख सकते हैं, पूरा ऐसे कोहरा में तो कैसे साइकिल चलाओ, मेरा लाइट भी नहीं है, कोई गाड़ी वाला आएगा तो टक्कर मार कर चला जाएगा, ये देख सकते पूरा दिखाई नहीं देता ऐसे ऐसे हुआ। ये टनल को भी देख सकते हैं, पूरा टनल भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे हो रहा है। तो अभी हम इधर में खाना बनाकर थोड़ा फिर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हम निकलते हैं। तो चलो पूरा खाना बना रहा हूँ अभी, मेरे पूरा हवा चल रहा है और पूरा गर्म हो गया है। और अभी ये मैगी बनाएंगे एक पैकेट के नीचे में लाकर खाएंगे हम। तो चलो सीसा क्रॉस करके अभी भालबुंग तक पहुंचने वाला, भालबुंग का अभी मेरा लगभग थोड़ा आसपास है, अभी 5-6 किलोमीटर से होगा। और मेरे को इधर ये रिवर राफ्टिंग करता है ये नदी में, इधर में काफ़ी ज़्यादा खूब अच्छा दिखता है, साफा दिखता है पानी, फिर ऊपर में कितना गंदा है तो जो ऊपर जाकर आता है उसको भी मालूम पड़ता है फिर कितना गंदा। इधर में पूरा सफा देखता है पानी, पूरा ग्रीन कलर का देखता है, फिर ऊपर में तो पूरा नदी का हाथ धुलाने वाला गंदा नाला का पानी आता है और उसका आता है जो सुअर पलता है ना उसका जगह का पानी आता है, बाथरूम का पानी आता है। और ये नदी ऊपर में तो टेंगा रिवर के नाम पे जाना जाता है और फिर नीचे में खम्बंग रिवर के नाम से जाना जाता है। तो अब देखा था आप लोग को ये वो नदी। तो चलो
इंस्टाग्राम में बहुत लोग मेरे को मैसेज करके पूछता है कि आप लोग को अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप लोग को चेकिंग वेकिंग नहीं होता क्या, वैसा क्या बोल का पूछता है। फिर हम लोग को चेकिंग नहीं होता है गाइस, हम लोग का ट्रैवलर है, हम लोग का सब लोग सबको सामान मिलेगा पता ही है, तो इसके साथ हम लोग को चेकिंग नहीं करता है। और अगर पुलिस इसे चेक पॉइंट में रुकेगा भी ना, हम लोग को पानी चाय हो गया ऐसे ठंडा हो गया वो सब पीने के लिए रोकता है हम लोग को, और पूछता है कहाँ से आया, कितना टाइम हो गया वही पूछता है हम लोग को। ये बैग वैग चेक नहीं करता हम लोग को, कहाँ से आया तुम, कहाँ का हो, डॉक्यूमेंट्स हो गए नहीं मांगता हम लोग को, बस हम लोग को पूछेगा चाय पिया, पानी पिया, नाश्ता किया, डिनर हो गया, लंच हो गया, वही पूछेगा। अगर नहीं हुआ बोलेगा तो खिला देगा, वैसा करता हम लोग को। फिर हम लोग को ऐसे चेकिंग नहीं करता है, हम लोग ट्रैवलर, हम लोग को तो पता है सब सबको सामान मिलेगा बोलते हैं। वैसे हम लोग बाइक से ट्रैवलिंग करता तो मेरे को भी पूछताछ करता था, बैग वगैरह चेक करता था शायद। फिर मैं साइकिल से ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे को कुछ चेक नहीं करता हम लोग को, तो मिलते हैं। और जो मैं बोला था ना, ऊपर में तेंगा रिवर्स और नीचे में खम्बंग रिवर्स होता है, वो रिवर्स काफ़ी ज़्यादा, वो नदी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया इधर में, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। चलो ये देख सकते हैं इधर में इतना बड़ा हो गया, अभी हम जाने वाला है यही रास्ता से असम और अरुणाचल बॉर्डर में। अभी भलपुंग में पहुँच चुका मैं, अभी लगभग मेरा आधा किलोमीटर ऐसे ही होगा अभी असम बॉर्डर। फिर मैं देखता है तेजपुर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, अभी मेरा 60 किलोमीटर है तेजपुर, अभी टाइम लगभग हो रहा है 1-2 बज रहा है अभी, तो देखते हैं कैसा आता है। तो चलो मिलते हैं आगे में। असम एंट्री हो चुका गाइस, असम को भलपुंग में पहुंचने वाला भी, और दोनों भलपुंग, अरुणाचल में भी भलपुंग है और अरुणाचल में भी भलपुंग है। तो मिलते हैं आगे के नज़ारों के साथ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देख रहा है, पूरा चारों तरफ दोनों तरफ में पूरा झाड़ है, उधर पूरा झाड़ का पूरा हरियाली देख कर जाने मिलेगा आप लोग को। पूरा रास्ता सीधा है, रास्ता का बीच से पूरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। तो मिलते हैं आगे के नज़ारों के साथ, और मिलते हैं आगे में जहाँ मैं रुकता है वहाँ मिलते हैं। तो चलो भोसड़ी वाला गाड़ी बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी मैं इधर से निकल कर जाएंगे आगे तेजपुर तक पहुँचेगा ऐसा लगता है। डाउन मिल रहा है तो डाउन, वैसे भी डाउन मिलेगा मेरे को काफ़ी ज़्यादा, इतना चढ़ाई इतना हैवी प्लेन एरिया है, तो तेजपुर तक पहुँच सकता है मैं, देखते हैं पहुँचता कि नहीं पहुँचता, ट्राई करते हैं। तो चलो चुका, अभी खाना खाने के बाद देखेंगे, फिर थोड़ा टाइम का बाद देखेगा, यहाँ रुकेगा या दूसरा आगे में जाएगा देखेगा। और अभी मैं इधर में थेर कर, फिर कल सुबह में रुकेगा तो मैं कल सुबह
जागीरोड तक पहुँचेगा। जागीरोड पहुँचने का जागीरोड से पहले मैं अगर मेरा एक लतुम भाई का ड्राइवर को मिलेगा तो मैं उसका गाड़ी में चार राफल लेके जाएंगे। वैसे भी मेरे को जैसे तैसे भी 19 तारीख को पहुँचने का ही है, और 19 को पहुँच कर में फिर निकलना पड़ेगा, 19 को वोट देना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और ये वीडियो इधर में ख़त्म करता है गाइस, और नेक्स्ट वीडियो कल सुबह के साथ मिलते हैं आप लोग के साथ। अच्छा सलामत पूछ चुका मैं अरुणाचल से, अरुणाचल का लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। वो जो एक दिन हुआ था वो चीज़ जाने वाला चीज़ है, बोल उस चीज़ का यार दिमाग में रखकर कोई फायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो कल सुबह के साथ, तो ये वीडियो के साथ तो ख़त्म करते हैं यहाँ में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ तब कि हम आगे बढ़ सको। तो चलो भाई भाई, भाई, भाई।